हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, 5 साल पहले एक मैंने छोटा सा आउटलेट किया था, वो जो अपने मोहल्ले में बहुत फेमस था, बढ़िया खाना दे रहा था। मैं वहाँ 5 साल पहले गया था। आज मैं 5 साल बाद उस आउटलेट को ब्रांड में कन्वर्ट होते हुए देख रहा हूँ। जी हाँ, उनके हो गए हैं 16 आउटलेट्स। जी हाँ, एक छोटे से मोहल्ले से उठ के आज वो 16 आउटलेट्स बना चुके हैं। ये वीडियो पूरा वेज होने वाला है, ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें जो चीज़ें दिखाएंगे ना, हमने दूसरे वीडियोस में अभी ऐसी चीज़ें दिखाई ही नहीं हैं। और नॉन वेजिटेरियंस, मैं भी आपके जैसा हूँ, नवरात्रे आ रहे हैं, आप भी वेज ही खाएंगे, तो आप भी ध्यान से देखना। मेरे पीछे है दी येलो बाउल और मैं खड़ा हूँ इस वक्त वसुंधरा गाज़ियाबाद में। ये इनका रेस्टोरेंट है, लेकिन 5 साल पहले मैंने शादरा ईस्ट दिल्ली की गलियों में इनका एक छोटा सा आउटलेट कवर किया था। ये हस्बैंड वाइफ की जोड़ी ने इस पौधे को सींच सींच के आज इतना बड़ा बना दिया है कि 16 आउटलेट्स हो गए हैं। चलिए सबसे पहले आपको आउटलेट दिखाता हूँ, बड़ा ही सुंदर वाला ये तैयार किया है। ये 16 में से एक आउटलेट इनका ये है, तो कैमरा घुमा के आपको दिखाते हैं कितना छोटा कौजी सा बहुत खूबसूरत सा ये आउटलेट है। तो आप कंपेयर करना जो 5 साल पहले मैंने इनका आउटलेट कवर किया था और जो ये इन्होंने जन्नत सजा दी है। इस ब्रांड के कर्ता धर्ता इशांत और ट्विंकल, इन्होंने एक छोटी सी गली, शादरा की छोटी सी गली से 16 आउटलेट्स कर लिए हैं पूरे दिल्ली NCR में। थैंक यू। कैसी रही ये जर्नी? मुझे आज भी याद है कि हम सड़कों पर खड़े होके आपका वो वीडियो शूट कर रहे थे शादरा की गलियों में। ये जर्नी कैसी रही 5 साल? बहुत अच्छी जर्नी रही हमारी, जो हम चाहते थे एक्चुअली वो हमने मतलब अचीव की है। और आज हमारी 16 ब्रांचेज हैं, आपने देखा होगा, आई थिंक जब आप आए थे आज से 6-7 साल पहले आप आए थे, तब एक ही आउटलेट हमारा था। हम एक्चुअली आई वाज डूइंग जॉब और ये भी एक्चुअली जॉब करती थी, तो हम लोगों ने सोचा कि हम किस तरीके से अपना कुछ स्टार्ट कर सकें। एक्चुअली मेरी मॉम के जाने के बाद मैंने सोचा, मैं बहुत फूडी था एक्चुअली, बहुत ज़्यादा खाते थे हम लोग, शादी के बाद और ज़्यादा बाहर खाने लग गए, चाइनीज़ वगैरह। सो हम लोगों को ये रहता था कि भाई हम लोग कुछ इंडो चाइनीज़ ऑथेंटिक खाएं, तो हम लोगों को ही मिलता नहीं था इंडो चाइनीज़ ऑथेंटिक, मतलब मिलता था तो या तो बहुत चीप लेवल पे, लाइक आपका समझ गया, स्ट्रीट फूड में सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता था, वहाँ पे हाइजीन लेवल थोड़ा सा फैक्टर का इशू होता था, या एक तरफ ऐसा होता था कि आप बहुत बड़े ब्रांड पे जाते थे जहाँ पॉकेट अलाउ नहीं करती थी उस टाइम, राइट? सो वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग कुछ एक ऐसा खोलें, एक फ्यूजन ऐसा लेके आए जो लोगों तक पहुँच पाए, लाइक इंडो चाइनीज फूड, जो एक्चुअली हम जो इंडियंस हैं, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ इंडियन खाना, हम लोग भले ही चाइनीज़ ऑथेंटिक कर लें लेकिन हमें इंडियन तड़के चाहिए। आज भी हम अपने खाने के अंदर में चाइनीज़ हम लोग फ्यूजन बेच रहे हैं, बट आप अभी टेस्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि हम लोगों ने उसके अंदर सारे पंजाबी और इंडियन तड़के डाले हुए हैं। अरे वाह। सो इसी वजह से जो हमारा एक गोल था वो लोगों तक हमने टेस्ट पहुँचाया, और आज आप मानोगे हमारे सारे आउटलेट 16 और सक्सेसफुली रनिंग, बहुत अच्छे से चल रहे हैं और सब पे बहुत अच्छा रश रहता है हमारा। आप क्या ऐड करना चाहोगे? बस यही कहूँगी कि सब भगवान की दुआ से है जो भी है, और अभी हम 16 आउटलेट्स सक्सेसफुली रन कर रहे हैं विद ह्यूज कस्टमर बेस, जो और वो भी प्योर वेज एंड दैट टू, मतलब सबको पसंद आता है, ऐसा नहीं है कि वी गेट एनीथिंग नेगेटिव फीडबैक। हमें हमारे हर आपको डिशेज में पॉजिटिविटी दिखेगी, फ्लेवर दिखेगा, एवरीथिंग इन फ्यूजन, चाइनीज इंडियन सब कुछ। और इनका मैंने मेन्यू देखा है, वो बिल्कुल ही बदल चुका है। आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि नई नई चीज़ें प्योर वेज आ रही हैं, और वैसे भी नवरात्रे आ रहे हैं, नॉन वेज वालों आप भी ये वीडियो मिस मत करना, पूरा ध्यान से देखो। तो टेबल मेरा सज चुका है और आपको हमने इनका आउटलेट दिखाया था शादरा वाला, और आप देखिए क्या अपग्रेडेशन है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। टेबल देखिए कितनी खूबसूरत सजी हुई है, कैमरा क्लोज लाइए, देखिए लाजवाब लग रहा है ये, देखिए। और ये लग ही नहीं रहा कि ये एक गली से उठ के दुकानदार ने इतना शानदार ब्रांड कर लिया है, हर चीज़ की प्रेजेंटेशन
लाजवाब लग रही है। और कलर्स देखिए मेरे टेबल पे सजे हुए हैं, इतने प्यारे खूबसूरत कलर्स, और ये सब वेज है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब के प्राइस स्क्रीन पे हम फ्लैश कर देंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये इन्होंने बाउल स्टार्ट किया है। ये देखिए बॉल्स हैं, नूडल्स हैं, और इसके अंदर ग्रेवी डाली गई है। इसकी प्राइस 99 रुपीज़ से यहाँ शुरू हो जाती है, और जो सबसे टॉप वाला है वो 129 रुपीज़ का है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वो KFC टाइप होता है ना, या किसी बहुत ही रनाउन ब्रांड का बाउल होता है, बिल्कुल वो लुक दे रहा है। इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, अलग से बाउल निकालते हैं, थोड़ी सी ग्रेवी के साथ नूडल्स, और इसको ट्राई करते हैं कि 129 रुपये में ये भाई कैसा है। मुझे तो बहुत सही लग रहा है भाई, देखने में तो लाजवाब है। टेस्ट करते हैं और देखिए कितने खूबसूरत कलर्स हैं। जैसे मैंने बोला फ्राइड, ये जो बाउल है फ्राइड सोया है, और नूडल्स के साथ इसको सर्व किया गया है। मेरी 4.5 साल की बेटी है, कभी कभार वो नूडल्स खाती है, और मुझे ये लगता है कि ये वाले नूडल्स उसको बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखिए, ये इनकी फिरंगी चाँप है, और ये देखिए स्टफ़ चाँप है। साइज़ देखिए चाँप का, आहा, ये तो ऐसा लग रहा है कोई मैंने बड़ा सा चिकन का पीस या मटन का पीस उठा लिया हो। इसको ट्राई करते हैं। यार मैं ऐसे ही फोक के साथ खा रहा हूँ, ये तो देसी चीज़ है चाँप, तो इसको मुर्गे की तरह ही खाते हैं। Cheers. इसके अंदर देखिए पनीर और कॉर्न्स की स्टफिंग है, और जो ये ऊपर फिरंगी बोला गया है, इसको थोड़ा सा जैसे होता है ना सेज़वान सॉस होती है, हल्की सी मिठास वाली, वो वाला फ्लेवर आ रहा है। ये अलग चीज़ है, अच्छा लगेगा आपको। तो लीजिए ये है इटालियन पनीर टिक्का, इसके ऊपर देखिए ऑर्गेनोस चिली फ्लेक्स वगैरह डाल के इसको सर्व किया गया है। और ये देखिए इसके साथ एक ग्रेवी सर्व की गई है, जो आपने ये टिक्का उठाना है, ये टिक्का देखिए, और ये ग्रेवी में डुबाना है। ये मुझे लग रहा है कि क्रीम की ग्रेवी, मक्खन क्रीम की ग्रेवी बनी हुई है कोई, ये देखते हैं टेस्ट करके। देखिए जैसे ही आप इस पर ग्रेवी लगाएंगे ना, इसका ना टेस्ट ऊपर से भी ऊपर हो जाता है। ये ग्रेवी बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कर रही है पनीर टिक्के को। तो ये देखिए, ये है तंदूरी चिल्ली पोटैटो। इसकी हमने आपको प्रिपरेशन दिखाई थी कि कैसे बीच में कोयला रख के उस पर ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर दिया गया है, जैसे बिरयानी या नॉनवेज को दिया जाता है। एक अच्छा ट्राई लग रहा है, इसको टेस्ट करके देखते हैं।
ये चिली पोटैटो जो होता है ना उसका भाई लग रहा है, लेकिन ये देखते हैं कैसा है। जो स्मोकीनेस दी गई है उसकी एक खुशबू है, वो सिर्फ खुशबू में हेल्प कर रहा है, थोड़ा सा एक स्मोकी खुशबू सी आ रही है। बाकी जो तंदूरी सॉस डाल के इसको तैयार किया गया है, सही में ये काफ़ी अलग हो जाता है। जो हम चिली पोटैटो खाते हैं वो थोड़ा सा मिठास की तरफ ज़्यादा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा तंदूरी सॉस डाल के वो वाला फ्लेवर आ गया। अच्छा है, डिफरेंट है, आप ट्राई कर सकते हैं। ये है इनका मोमोज प्लेटर, ये देखिए ये ड्रैगन वाले हैं, ये मुझे तंदूरी लग रहे हैं, ये सेज़वान लग रहे हैं, ये कुछ क्रीमी सा है तो अफगानी या मलाई मोमोज टाइप लग रहा है। ये ड्रैगन वाला ट्राई करते हैं। ये देखिए इसके ऊपर एक सॉस डाली गई है और क्रिस्प फ्राइड है मोमो बिल्कुल। और इसकी स्टफिंग दिखाता हूँ मैं आपको, आहा पनीर की स्टफिंग है और पनीर और प्याज पका के इसमें डाला गया है। इसको देखते हैं, जो अंदर पनीर है उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई जो स्टफिंग है, लेकिन जो बाहर सॉस डाली गई है वो जब आपकी ज़ुबान पे आता है, पनीर आता है और क्रिस्प मोमो की लेयर आती है, एक बढ़िया स्वाद छोड़ के जाती है। इतने सारे मोमोज़ हैं, अगर मैं सारे मोमोज़ खा लूँगा तो भाई मेरा तो हो जाएगा काम, मेरी डाइट की भी हो जाएगी काम। लेकिन एक और ट्राई करते हैं तंदूरी मोमो, इसकी स्टफिंग दिखाते हैं। अच्छा हाँ, ये देखिए अब ये तंदूरी मोमो वेजीज वाला है, बंद गोभी मटर और ये बीन्स दिख रहे हैं, गाजर मुझे ऑरेंज वाली दिख रही है, ये ट्राई करते हैं। और इनकी ये मेयो देखिए, ये प्याज और वेजीज डाल के इनकी मेयो तैयार की गई है, ये लगा के देखते हैं कैसा टेस्ट है। और बहुत थिक है जी मेयो इनकी। वाह, चीयर्स। मेयो ने तो फट्टे जग दिए और इनकी जो तंदूरी मैरिनेशन है वो भी लाजवाब है। हाँ, ये देखिए ये इनके स्टीम मोमोज ऐसे सर्व किए गए हैं। और मैंने आपको तंदूरी तो खोल के दिखाई है, स्टफिंग सेम होगी, एक इसमें से देखते हैं, ये वाला ही देखते हैं। ये देखें या ये लंबे वाला देखते हैं, ये देखते हैं, ये पनीर वाला निकला है, सेम है, स्टफिंग सेम है, बस वही है कि मैरिनेट ऊपर करके उसको तंदूर कर दिया गया और ये स्टीम वाले। तो जब हम 5 साल पहले इनका वो छोटा वाला आउटलेट करने गए थे तब भी हमने ये स्पेशल इनके नूडल्स मंगवाए थे, आज भी मैंने मंगवाए हैं। और ये देखिए रूप रंग देखिए इसका, कितने शानदार प्रीमियम लग रहे हैं, देखिए कितने। ये सारी चीज़ें खा के मुझे एक चीज़ की खुशी ज़रूर हो रही है, जो मैं चीज़ खा रहा हूँ हर चीज़ अच्छी है। और मुझे ये लगता है कि आपके टेस्ट बड के हिसाब से ये तैयार की गई है। और खुशी मुझे इस चीज़ की है कि इनका एक आउटलेट वेस्ट दिल्ली के हरिनगर में आ रहा है जो मेरे घर के पास है, दूसरा इनका विकासपुरी आ रहा है जो मेरे ऑफिस के पास है। तो खुशी मुझे ये है कि मुझे अब ये वेज वाले खजाने खाने के लिए ना तो शात्रा जाना पड़ेगा, ना इनका कोई दूसरे आउटलेट पे जाना पड़ेगा, मेरे घर के पास ही आ रहे हैं ये। और यहाँ पे खासियत ये है, यहाँ पे शेक्स भी हैं, मॉकटेल शॉकटेल भी है। तो ये देखिए इतना बढ़िया खाना खाने के साथ इतनी खूबसूरत लाजवाब आप अपने साथ ड्रिंक भी इंजॉय कर सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। मैंने चॉकलेट शेक मंगवाया अपने लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, 499 से ऊपर का ऑर्डर आप कुछ भी करते हैं एट द एंड आपको स्क्रैच कार्ड मिलेगा। ये देखिए पूरा बाउल है, इसमें से कोई भी एक कार्ड निकालिए और जो आपका नेक्स्ट टाइम जो ऑर्डर होगा वो आपको फ्री मिलेगा। मैं देखता हूँ मेरी किस्मत में क्या है। आइए जी। ओहो, तो मेरा आया है 5% ऑफ, तो ठीक है, समथिंग बेटर देन नथिंग। तो मैं जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आऊँ और पे करूँगा तो मुझे
5% मिलेगा, और अलग अलग सबके लिए है, कुछ परसेंटेज है, किसी को कोई फूड आइटम है, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ से जब जाएंगे साथ में कुछ मिलेगा। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। वसुंधरा गाज़ियाबाद रहते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो गूगल पे और या तो फूड ऐप्स पे सर्च करिए, आपके घर के आसपास येलो बाउल का है, इसको ट्राई ज़रूर करिए। स्पेशली वेजिटेरियन, जो लोग नॉन वेज आउटलेट पे भी वेज नहीं खाते, जैसे ये मेरे कैमरा पर्सन है तो ये भी नॉन वेज आउटलेट पे वेज नहीं खाता, वैसे आप भी बहुत सारे लोग होंगे, यहाँ आइए, इन्जॉय करिए और वापस आके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।